गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आवाज आ रही है आपको। यस सर। चलिए बेटा, तो ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम पिछली क्लास में हमने बेटा रिएक्शंस देखी थी कि कैसे फिनोल बनता है, कैसे हम एल्कोहल्स को बनाते हैं, और इसमें मैंने काफ़ी कुछ एडवांस चीज़ें भी बताई थी बेटा। कुछ तो बहुत फिक्स है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलता ही मिलता है हमें, इवन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं यहाँ से, तो ग्रिगनार्ड के सिमिलरली इस जगह से हम बात करें तो RMGX वाला प्राइमरी एल्कोहल बनेगा सेकेंडरी के साथ में, मतलब कई भी अदर LDH सेकेंडरी एल्कोहल टर्शरी, और अदर देन दिस हमने बेसिक रिएक्शंस पढ़ी कि किस तरह रिडक्शन रिएक्शंस होती है। फिर ये याद करने का थोड़ा पोर्शन है, बट जिस तरह से नोट्स बताए गए हैं तुम ये भी याद कर लेते हो तो बिलीव मी का 70-85% ऑफ दी ऑर्गेनिक पोर्शन इजीली डन होता है, इवन आप नोट्स भी अच्छे से करो तो हैंडल। तो बात तो यही है कि हम थोड़ा भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाता है बेटा। भले ऑर्गेनिक थोड़ा टिपिकल है, टफ है बेटा, आप नोट्स भी मैनेज करते हो तो मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा हो जाता है, बट द वे जिस वे से मैं बेटा नोट्स को कवर कर रहा हूँ या आपके मतलब हर एक पॉइंट कवर करते हुए चल रहे हैं हम, जो बच्चा नोट्स अच्छे से ध्यान रख सकता है, अच्छे से रिमेम्बर कर सकता है, वो भी 70-85% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैक कर सकता है। बचती है लड़ाई 15, ये समझो कि लगभग लगभग ये 15-30% की, 15-30%। तो ये जो फाइटिंग है ये मैंने बताया था बेटा आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल अप्रोच जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो तो तुम कर देते हो, इसलिए मैंने 75 किया कि तुम्हें रिएक्शंस पता है तो नोट्स पता है तो, बट यहाँ पे आपका जो फाइट है वो है थोड़े इन्वॉल्व क्वेश्चन और कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है तभी कर पाते हैं, केवल रिएक्शन याद होने से काम नहीं बनता। हाँ, रिएक्शन याद होना मस्ट है, बट ये चीज थोड़ा प्रैक्टिस मांगती है। तो जब इतना भी कर सकते हो बेटा, हमारे लिए सामने ऑप्शन है कि जब लगभग लगभग हम इतना निकाल सकते हैं तो क्यों ना निकाले, कम से कम इतनी तो मेहनत कर लो कि हम इतना कर पाए, और वो इजी में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ इतना अच्छे से किया जा रहा है जो हमें पता होना चाहिए। ऑल राइट, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ बेटा, देखो फटाफट से। तो कहानी का नेक्स्ट पार्ट जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, तो बेटा देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं यहाँ पे, वैसे ज़्यादा काम नहीं आता बट सिंस ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ तो क्या पता लिख ले, इसलिए कलरलेस लिक्विड्स। तो बेटा जो लोअर एल्कोहल होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, जैसे इथेनॉल हो गया आपका, मिथेनॉल टाइप से हो गया, ठीक है, ये याद रखने का है। मेंबर्स फ्रॉम C5 to C11 आर ऑयली लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स। बेटा ये तो याद रखने पे है, देखो कौन क्या होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतना कॉमन सेंस नहीं है, बेसिक ध्यान रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। हम क्या कहते हैं ध्यान से सुनना, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो गया बेटा, OH इन एल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्ड विद वॉटर। तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, एच बॉन्डिंग कौन कौन याद हो ट्रिक तो, कौन बहुत बढ़िया बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डायरेक्टली
यदि ये मतलब एक कंपाउंड में है और वो हाइड्रोजन से यदि अगले के बॉन्ड बना सकता है, तो ये तीन लोग कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिल में वो होता है जो एच बॉन्डिंग का काम करता है, ठीक है। सो एल्कोहल्स आर मिसिबल विद वाटर। तो बेटा एल्कोहल्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वाटर में मिक्स होने वाले होते हैं, वाटर में मिसिबल होते हैं एल्कोहल, ठीक है बेटा। हेंस एल्कोहल्स आर मिसिबल विद वाटर। मिसिबल का मतलब बेटा सोल्यूबल ही होता है, बट ये है कि किसी भी प्रपोर्शन में हो जाते हैं, ठीक है। सोलिडिटी डिक्रीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। बेटा यही एक खास वजह, तुम ध्यान दोगे इनकी सोल्युबिलिटी बहुत होती है, एटलीस्ट लोअर एल्कोहल्स की, ठीक है। तो जैसे हमें एक एग्जांपल, इथेनॉल जो होता है वो हर प्रपोर्शन में सोल्युबल होता है बेटा। इथेनॉल इज सोल्युबल इन ऑल प्रपोर्शंस विद वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्रपोर्शंस का मतलब? एनी हिंट कोई बता सके तो, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूबल इन ऑल प्रपोर्शंस? बेटा समझो, जैसे कि इथेनॉल में ले लूं और वाटर ले लूं एक तरह से, तो बेटा तुम किसी का कितना भी रेशियो लो तुम पता नहीं कर सकते मिलने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं इथेनॉल 5% लो और पानी 95%, तो भी अच्छे से घुल जाते हैं। इथेनॉल 95% लो, पानी 5%, तो भी अच्छे से घुल जाते हैं। ये 40%, ये 60%, तो भी अच्छा घुलते हैं। मतलब कि कोई भी रेशियो ले लो, 50-50, बी इट एनी रेशियो, दे गेट सोल्यूबल कंप्लीटली इन टू वन अनदर। बात समझ में आई क्या? हाँ या नहीं? Yes, sir. तो किसी भी प्रपोर्शन में हम ले बेटा, वो 100% सोल्यूबल, मतलब पूरा अच्छे से घुल जाता है एक दूसरे में। बेटा देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बट बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करवाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये फिनॉल्स में मैं अलग से ना लिखूँ, इसलिए सेम जगह करवा रहा हूँ। फिनॉल का भी इसी में कवर कर दूंगा मैं, बॉइलिंग पॉइंट बाकी एक बार के लिए लिख दूंगा वहां भी। एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, अदर क्लास ऑफ कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन्स, इथर, ठीक है बेटा, इथर आ गया, हेलो एल्केन्स आ गए, हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। और फिनॉल कंपेयर किससे करेंगे, हेलो एरेन से, हेलो एरेन्स एक्सेट्रा। तो ऐसा क्यों होता है, वाई बेटा? एक तो एक कॉन्सेप्ट देखो, ये वो भी हो गया पॉइंट की इनके हायर होते हैं इन सबसे, ऐसा क्यों? एनी आउटपुट बेटा? अच्छा, साइज बड़ी होती है इसलिए। साइज सर पोलर हीटर होता है, पोलर भी है थोड़ा थोड़ा। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे मेन वजह है क्या है इसकी,
आंसर वैसे हाँ सेकंड ऑप्शन में छुपा हुआ है, द ओएच ग्रुप इन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बेटा देखो ये हम बड़ा सा लिखते हैं बट अब ऑब्जेक्टिव में भी आपके छोटा देख लाइन बना के आ सकता है। द ओएच ग्रुप इन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इस वजह से क्या होता है बेटा, ड्यू टू दिस बिहेव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेन वजह क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना सकते हैं, इस वजह से ये हाइयर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। यस सर। तो लिख लो बेटा फटाफट, लिखो इसे कंप्लीट करो जरा। इसे कंप्लीट करो बेटा जल्दी से। लिख लिया हमने, तो बेटा आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल और मान लो एल्कोहल और इथर में पूछ ले, आपको एक इथर एल्कोहल दे दे एक इथर दे दे, पूछ ले किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, चार ऑप्शन दे दिए आपको, एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन दे दे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर से चार ऑप्शन, तो आपको आंसर करना आना चाहिए बेटा एल्कोहल का ज़्यादा होगा, ठीक है ना? क्यों होगा उसका कारण भी पता है। तो यहाँ से भी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चले, चलो बोल नहीं रहे तो मैं बढ़ रहा हूं आगे ना बेटा। एक एक पॉइंट कॉमन है, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, पिछले चैप्टर में बताया था इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एज ब्रांचिंग इंक्रीज, ये प्रीवियस चैप्टर में लिख चुके होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस, ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग, कॉमन सेंस भी है बेटा। यदि तुम पहले 10 ग्राम चीज को बॉइल कर रहे थे 20 ग्राम करने लगोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, और ब्रांचिंग का क्या फर्क पड़ता है बेटा, सो कॉमन सेंस बताऊं, सपोज करो कि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घट जाता है तो उतने एरिया में आपका एक्चुअल में ज्यादा चीज आ जाती है तो वो बॉइलिंग पॉइंट का भी फर्क पड़ता है कि डिक्रीज कर जाता है। तो ये सब फैक्टर्स सरफेस एरिया से लेना देना होता है बेटा दोनों चीज का देखा जाए तो। एनीवे थोड़ा ध्यान रखें हम इस चीज को। चलो नेक्स्ट बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इनका, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स
और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बट बिकम कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर. मतलब क्या होगा बेटा, फिनोल्स को यदि एयर में रखे हम खुला तो उनमें कलर दिख पाए, स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा. नेक्स्ट बेटू, फिनोल, अब ये ध्यान रखना है, इस पे मतलब क्वेश्चंस बन सकता है. फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, बट अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो ध्यान रखेंगे. ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट ये वर्ड यूज किया जाता है, दैट्स इट. क्यों किया जाता है अभी बाद में थोड़ी देर बाद समझेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एसिडिक बिहेवियर देखेंगे, तो बेटा एसिड की तरह काम करती है तो ऐसा बोल दिया जाता है, इसको और कुछ नहीं है. तीसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स मेनली किस किस से, हेलोएरिन्स या नॉर्मल बेटा है एरिन्स. ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कैपेबिलिटी. इस वजह से ऐसा होता है. वैसे मैं पिछले पेज पे लिखवा चुका दोनों का एक साथ, बट फिर भी कंप्लीशन के लिए लिखी हो. Then, बेटा डन के लिख लिया हमने. यस सर. चलिए बेटा, तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी जो याद रखो, ये तो कुछ वैसे, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैं तो कट ही करूंगा, याद रहे तो रहे, यहाँ भी कोई खास काम की नहीं आती. बट सिंस अब ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा प्रॉपर्टी के चांस बन जाते, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो थोड़ा टिपिकल हो गया अब है ना, इसलिए बताया गया है. हाँ, ये पूछा जा सकता है, जो ये वर्ड है थोड़ा नज़र में रखें हम, ऑप्शन में से पूछ दे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड या फिनॉल इज ऑल्सो नॉन एज विद अदर नेम, ऑप्शन दे देंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा. सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इज द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस. केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा सबसे पहले तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि जो एल्कोहल होता है वो दोनों तरह से काम करता है आपका. चलो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनोल दोनों
नहीं बेटा, दोनों की काइंड ऑफ से चलेगी, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कॉमन से होते हैं इनके लिए, है ना। तो बेटा सबसे पहले हम एल्कोहल की बात करें, जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, काफी स्ट्रेंज लगता है सुन के, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल भी की तरह भी काम करता है। कैसे बेटा, कैसे दोनों तरह का काम आता है, तो यहाँ से देखें, जो दो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से होती है। मैं यहाँ पे डैश करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम दोनों को कंपेयर कर पाए। तो सबसे पहला काम होता है जब आपका O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब R और H, ये जो कहानी है इसमें जब यहाँ का बॉन्ड टूट के जा रहा होता है, तो ये जो केस है और H प्लस जा रहा है, मतलब यहाँ से, मतलब ये कैसे टूटेगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में आपका इस तरह से टूटेगा आर ओ माइनस प्लस एच प्लस। तो बेटा ये कहानी जब हो रही है तो वी कैन से कि एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन होती है बेटा, एसिडिक नेचर पे बेस्ड रिएक्शन होती है। एंड इन दिस केस इट बिहेव लाइक माइनस चार्ज, तो कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो क्या होता है अपना एल्कोहल्स, यदि यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड ये टूटे, तो यहां पे बनता है आपका किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, दिस बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब कई बार ये क्या करता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस आर ओ एच, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक यहां से होता है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बट बेटा ये जो इस तरफ का पोर्शन ही थोड़ा इन्वॉल्व है, ये जनरली किया जाता है आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स होते हैं यहां पे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं हम बेटा। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? H प्लस दे दिया जाए उसे, फॉर एग्जांपल R CH2OH है मान लो, इसकी रिएक्शन H प्लस से करवाई, तो H प्लस इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेट्स से, तो कहानी बनी ऐसी R CH2OH2 प्लस। अब बेटा देखो, वाटर छोड़ के जाने के लिए तैयार है, अब किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करवा लो इसकी, तो मान लो Br- बैठा है, Br- की रिएक्शन करवा दी मैंने CH2ROH2+, तो ये तो छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठा है, बस कोई इस पे अटैक मारे और जैसे ही अटैक मारेगा ये निकल जाएगा, तो दिस इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है? BrCH2R+H2। इस तरह से आपकी रिएक्शंस होती है। सी, हम ढंग से देखेंगे, बट दिस इज जनरल प्रोसीजर कि आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, वो इसको प्रोटोनेटेड करके OH2 बन गए, छोड़ के जाएगा और कोई अटैक करेगा। सो दिस इज द जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन जहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये तो सिंपल एसिडिक बिहेवियर होता है बेटा, H प्लस OH माइनस का टूटना। सो दिस इज द क्लास ऑफ रिएक्शन वेयर ओवर एल्कोहल विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। आ रही है बात समझ में? बेटा देखो, दो तरह से टूटेगा, या तो है O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाए, या है R के यहाँ से OH अलग हो जाए। तो ये केस तो डायरेक्ट बेटा एसिडिक नेचर RO- प्लस में टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल साथ दिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट नहीं टूटता, ये पहले प्रोटोनेशन होकर फिर ये रिएक्शन कैरी होती है। तो ऐसा बिहेवियर होता है कि OH टूट के चला गया अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली OH हो जाता है, वो फील देता है कि यहां से अलग हुआ, बट और किस तरह हुआ? Br- एड हुआ इस पे, मतलब नेगेटिव वाला, तो इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड। ठीक है ना, तो एक बार क्विकली नोट डाउन करो, देन फिर आगे बढ़ाते हैं।
10 बेटा हो गया क्या जल्दी से बताए जल्दी लिखो बेटा करूं बेटा आगे बढ़ूं मैं यस सर चलिए यस सर अब बेटा देखो सबसे पहला क्लास ऑफ रिएक्शंस अपनी जैसा कि हमने देख लिया तो सबसे पहली है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ ओएच बॉन्ड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम जैसे कि आर ओ एच होता है तो ओ एच का ब्रेक मतलब यहां से टूटेगा इसकी रिएक्शन हमें करनी है तो इस लाइन में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं एसिडिटी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा अब बताओ कोई भी एसिड है उसकी क्या खास बात होती है देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस एमिट करते हैं एसिड्स अरे खास बात होती है ना एसिड्स की हे भगवान कैसे बच्चे हो तुम नहीं पता तुम्हें बेटे तो बिल्कुल बेसिक चीज है मेटल्स के साथ में एसिड क्या एमिट करते हैं हाइड्रोजन गैस तो करते हैं तो हम कहते हैं बेटा एल्कोहल्स हमें कैसे पता चला एसिड है तो हमने क्या कहा एल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद मेटल्स मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा दो एल्यूमिनियम पोटेशियम टू गिव एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इट्स वेरी स्ट्रेंज कि बच्चों को ये बात पता नहीं है ये बहुत ज्यादा बेसिक है बेटा कैसे मतलब ये हो सकता है कि हमको पता नहीं है हाँ पता है गुड सब करते बेटे सारे एसिड्स की प्रॉपर्टी है दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी कोई भी एसिड है टेस्ट करने के लिए यही किया जाता सबसे पहले उसकी सोडियम वगैरह से रिएक्शन करो हाइड्रोजन एमिट हो गई मतलब एसिडिक बिहेवियर है फॉर एग्जांपल आर ओ एच लिया हमने तो बैलेंसिंग के लिए 2 लगा रहा हूं 2 Na इट विल गिव आर ओ एन ए रोना बनेगा बेटा ठीक है ना रोच से रोना प्लस हाइड्रोजन गैस चाहो तो बैलेंसिंग आप खुद भी कर सकते थे मैं सिंपल छोड़ सकता था H2 जाएगी तो बैलेंसिंग करने पे ये बनेगा सिमिलरली फिनॉल की रिएक्शन देखो OH प्लस Na तो यहां पे Na प्लस H2 वही बैलेंसिंग करनी है तो 2-2 हो दो इधर समझ रहे हैं हम बात को यस यस सर
ठीक है ना, तो ये भी तू ध्यान में रखना है। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, इस रिएक्शन से साफ मिलता है दैट एल्कोहल्स फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। दीज रिएक्शन शोज दैट एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, तो बेटा दोनों एसिडिक होते हैं नेचर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। लिख लो इसे फटाफट से, जल्दी से लिखो बेटा। देखो ये कोई रटने की चीज नहीं है, कितनी बेसिक चीज है, एक्सपेरिमेंटल है कि ये होता है, सबको पता है। मैं रिएक्शन नहीं भी बताऊं तो तुम्हें पता है, मेटल के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो H2 किस निकलेगी। Is that good? बेटा लिख के बता देना मुझे फटाफट। Is this done? बेटा आगे बढ़ू? Yes, sir. चलो बेटा देखो, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको जो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम ग्रुप, and this is inversely proportional to plus I and plus M group। मतलब यदि minus group यदि होंगे तो acid उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब acid बहुत अच्छा होता है यदि minus group aid होता है उसमें, तो ठीक है ना। तो अब बेटू समझे, हमारे पास में एक question आता है, ध्यान से सुनना मैं जब बताने जा रहा हूँ। पहले question सुने, सवाल आता है बेटा, वॉटर इज बेटर एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। एक्सप्लेन करो बेटा ऐसा क्यों होता है और क्या वजह है इसकी। सोचो, इवन बेटा हम रिएक्शन है, अभी पहले इसका सॉल्यूशन बताओ, पहले क्या वजह है, कौन सा सकता है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ आंसर जिसको ये पता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा कैसे करोगे आप इसे अप्रोच। हम क्या बोलेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो इस पे है, आप खुद से देखो वॉटर क्या होता है बेटा, H2O। वॉटर इज H2O, देखो इस तरह से लिखेंगे हम HOH। भाई H छूट गई तो जाएगा इससे, और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH, बोलो होता है कि नहीं। यस सर।
बेटा एच इफेक्ट जब याद करो सबसे बेस होता था प्लस आई इफेक्ट में, बट दिस आर ग्रुप बी इट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी हो बेटा, ये आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है? नहीं याद हमें बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं कार्बन, प्लीज रिमेम्बर। इसलिए वो बेसिक में इतना टाइम खपाया था बेटा मैंने कि हमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें पता हो और ज़्यादा न रटना पड़े। अब क्या होता है, नहीं तो इस चैप्टर में बच्चे रट्टा मारते हैं बहुत ज़्यादा। तो बेटा ये प्लस आई प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका रीजन क्या देते हैं? एल्कोहल सार वीकर एसिड देन वॉटर ड्यू टू प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल्स विच डिक्रीज पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। बेटा ये कारण होता है यहाँ पे कि क्यों ऐसा होता है, बात समझ में आ रही है हमको? अरे आ रही है क्या? Yes, sir. अच्छा समझ आया, तो इनको ऑर्डर में जमाओ एसिडिक स्ट्रेंथ के। मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, इनको ऑर्डर में जमाओ, देखे एसिडिक स्ट्रेंथ के जमा सकते हो क्या? चलो बेटा आगे देखो, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एसिडी के ऑर्डर में जमाना है हमें। CH3 CH2OH CH3 CH CH3OH बताओ जरा कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा स्ट्रांग है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ये ऑर्डर बेटा। ऐसा क्यों सोचो बेटा? देखो बच्चे रट्टा मारते हैं, मैं बदल दूंगा ना कभी तो गेम बच जाएगा, रटना नहीं है। साफ देखो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड ग्रुप लगा हुआ है टर्शियरी। बेटा जैसे जैसे कार्बन ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा, और प्लस आई के तो उल्टा प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा हुआ है। तो प्लस आई जहां दिखा उसका उल्टा है इसलिए ऐसा देखने को मिला है, ये हमें ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम्हें आना ही चाहिए। समझ आया हमको? यस। तो लिखो इसे फटाफट से, जरा जल्दी से लिखो। बेटा देखो कुछ भी दे दिया जाए अब तुम्हें, तुम्हें ये आता है तो तुम सब कुछ कर लोगे।
इज दैट क्लियर? अरे बोलो तो सही। यस सर। बढ़ू मैं आगे? आई होप आपने लिख लिया है। चलो देखो, आपसे एक और क्वेश्चन आता है बेटा। मैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में क्यों लिखाता हूँ, याद करना इजी हो जाता है। फिनॉल्स आर मोर एसिड देन एल्कोहल्स। इवन फिनॉल्स बेटा वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होती है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। देख कर सोचो और करो आंसर, क्या वजह हो सकती है? थिंक अबाउट इट। बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई भी कह सकते हैं बेटा और माइनस एम भी कह सकते हो, है ना? रेजोनेंस होता है बेटा बहुत। देखो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों के, समझना आप बेटा। हम एल्कोहल का बनाए आर ओ एच, तो पहली बात है आर जो होता है ये प्लस आई ग्रुप होता है, और इवन ये जब एच छूट जाएगा तो दिस इज आर ओ माइनस, और हमें पता है बेटा माइनस की स्टेबिलिटी प्लस ग्रुप्स घटाते हैं, तो इस वजह से। और दूसरा फिनोल का देखो पी एच ओ एच, बेटा राइट इट पी एच ओ एच। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पी एच इज माइनस आई, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पे H माइनस से छोड़ देगा H प्लस, यदि H प्लस को छोड़ देगा माइनस H प्लस, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा PH O माइनस। अगेन ये माइनस आई तो है ही बेटा, बट दिस O माइनस, दिस माइनस इज अगेन इन डीलोकलाइजेशन, दिस इज फिनोक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना, वी से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन, ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन, दिस इज फिनोक्साइड आयन। रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस पॉसिबल होता है और रेजोनेंस से ये स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल ड्यू टू फिनोक्साइड आयन। रेजोनेंस इज आल्सो पॉसिबल, माइनस आई ग्रुप भी है और रेजोनेंस भी है, दोनों के चलते ये काफी एसिडिक हो जाता है। एंड इन जनरल वी से फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इवन वाटर इज वाटर से भी ज्यादा होती है फिनॉल, तो ऑब्वियस है कि उससे तो होगी। एंड वाटर से ज्यादा कौन, वाटर से पहले होगा बेटा एल्कोहल, तो दिस इज अ एसिडिक स्ट्रेन प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है, समझ के रखना है। समझ आता है हमको? सोच लो, ऐसे याद रखना है हमें कि किस तरह से बिहेवियर होता है। जल्दी से करो इसे। सर इसके एक्सेप्शंस नहीं है? नहीं, इस चीज के एक्सेप्शन कोई नहीं है बेटा, बाकी कॉन्सेप्ट से चलता है, एक्सेप्शन नहीं आता, चिंता मत करो, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तुम्हें बस ग्रुप्स आने चाहिए।
सर आई एम नॉट फीलिंग वेल सर कैन आई लीव द मीटिंग यस यस थैंक यू सर Then डेन बेटा आगे बढ़ूं मैं यस सर चलो अब देखो बेटा इसमें भी कुछ एग्जांपल्स करवा दूं मैं तुम्हें तो तुम्हें खुद से सोचना आना चाहिए बहुत बेसिक सा चीज होता है मान लो OH है और यहाँ पे CH3 है मान लो वह केवल एक तरफ OH के साथ NO2 OH के साथ में OCH3 मतलब चाहे जो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा जो मन लगाओ क्लोरीन बताओ कौन सा एसिडिक क्या ऑर्डर होगा नंबर वन टू थ्री अब के बार लाइन से नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐसे सोच सोच के बनाया है वन सेकेंड बेटा हेलो कहाँ पे हो अभी बाहर हो क्या घर से हाँ हाँ बंद वाली गली आती है ना एंड में घूम के आ गए वही वही हाँ 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 रचो पार्सल आ रहा है रचना पार्सल आएगा बाहर ले लो सॉरी बेटा क्या आंसर होगा बताओ जरा थर्ड होगा सबसे ज्यादा तो बहुत बढ़िया यस सर बेटा कुछ नहीं इफेक्ट पहचाना है इफेक्ट पहचानोगे आंसर आ जाएगा मैं आंसर लिखता हूँ देखते हैं कौन पहचान सकते हो थर्ड उसके बाद में फिफ्थ उसके बाद में सेकेंड उसके बाद में फर्स्ट उसके बाद में फोर्थ देखे कैसे बेटा माइनस एम माइनस आई ठीक है ना ये यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है तो जीरो बोल दो यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा यहाँ प्लस आई और यहाँ पे प्लस आई तो समझ गए कैसे जमाया मैंने yes, बेटा जो माइनस yes, वाले है वो पहले अब माइनस एम पावरफुल होता है आई से तो पहले माइनस एम फिर माइनस आई फिर जीरो इफेक्ट फिर प्लस और फिर इस तरह से आ जाएगा
तो इस तरह से ऑर्डर में जमाना है बेटा। देखो होता क्या है, अब मैंने मेरी मर्जी से क्वेश्चन बना दिया, अब सोचो बुक में तो दो तीन क्वेश्चन होंगे, तुम उनको रट लोगे, बट ऐसा कोई भी एक भी ग्रुप बदल दिया तो तुम्हारा गेम बच जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जिसे आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारे क्वेश्चन कर पाएगा, ये समझने की बात है हमें। इसीलिए आपको ये इफेक्ट्स पढ़ाए गए थे उस समय, मैं बोला भी था बेटा ट्वेल्थ में क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा यदि इफेक्ट्स तुम्हें आएंगे तो, और इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी बेटा। एक्सेप्शंस देखो होते हैं कुछ कुछ बट हर जगह, बट हमें बेसिक चीज से अप्रोच करेंगे तो मैक्सिमम काम हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आती इतना। ठीक है तो नोट डाउन कर लो इस एग्जाम्पल को। आगे बढ़ रहा हूं मैं, बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये चैप्टर तुम्हारे टर्म वन में आने वाला है तो पढ़ाई करो, इसको ढंग से पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर बेटा शायद हम दोबारा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स है ना रिवीजन में, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में चैप्टर्स बच रहे हैं आपके, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था टर्म वन का सिलेबस, तो हम एक्स्ट्रा चैप्टर और कर चुके ज़्यादा, तो इसके चक्कर से हमें क्या कन्फर्मेशन नहीं है कि कौन सा चैप्टर था, तो हम और चैप्टर कर चुके तो पहले उतना करवाऊंगा, फिर पता नहीं हम इनको दोबारा रिवीजन का हमें कितना टाइम मिलेगा, तो इनको साथ के साथ खत्म कर लो। ये समझ लो अब से 2 महीने बचे, तुम 2.5 महीने बचे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम है ना, फिर नवंबर मिड के आसपास एग्जाम मानो तो मैक्सिमम साइड 2.5 महीने समझो तुम तो, क्योंकि बीच में आपकी दीपावली आ जाएगी 4 नवंबर की, उसके बाद तुम्हें पता ही है दीपावली पे कितना पढ़ोगे, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ तो बेटा 2.5 महीने समझे, वैसे तो 3 महीने के अराउंड समझे, बट फिर भी मुझे लगता है कि 2.5 महीने के आसपास से आना चाहिए। डन बेटा, बात समझ आ रही है ना? तो उसको ऐसे गारंटी मत लेके चलो, इसके बाद होंगे आपके टर्म वन का एग्जाम जिसका भी होगा, 4 के तो बाद, 4 भी नहीं, 4 की तो दीपावली है, तो 5, 6, 7 मतलब 7 नवंबर के बाद ही होंगे एग्जाम, उससे पहले कोई नहीं है 7 नवंबर। तो आज से लगा के 3 महीने हैं, बट मुझे पता है कि हम 8-10 दिन पूरे खत्म करवा देंगे अपने, और ये तुम्हें भी पता है बीच में राखी पे 2 दिन 5-7 दिन यहाँ तो बच के इफेक्टिवली 2.5 मंथ से हमारे पास, तो उसको मान प्रिपरेशन करनी है अपने को। और ये तो ऐसी चीज़ें जहाँ मुझे भी 1-2 दिन की छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, 1-2 दिन के 4 दिन या 5 दिन की छुट्टी जाएगी यहाँ पे, 2 गुना 4 दिन में तुम वैसे कुछ नहीं करोगे। चलो बेटा एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एक टर्म है और कुछ नहीं है, वैसे तो अपने 11th क्लास में पढ़ी थी ये टर्म, बट जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा उनको ये टर्म नहीं आती होगी, तो समझे बेटा मान लो कोई भी एसिड है, ठीक है मान लो Ha, ये बेटा टूटता है H प्लस और A माइनस में, यदि सो दिस इज एसिड डेफिनेटली, तो बेटा एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है हम ध्यान दें, H2O ले लो यहाँ पे, एक काम करो ज्यादा अच्छा होगा, तो H प्लस टूटेगा, कोई रिएक्शन से बता देता हूँ तो नहीं था बट क्या करें, लिख लो तो H2O प्लस Ha एडिंग एन एसिड, तो बेटा जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास में बनेगा H3O प्लस प्लस A माइनस। तो बेटा इसका हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखे तो क्या होता हो, ये तो पता होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे लिखते हैं,
यस सर। दिस इज सी सर H3O प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की। बेटा इसमें से H2O को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं Ka, दैट इज नोन एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय H2O, सो दिस विल बिकम इक्वल टू H3O प्लस। ये सब बस रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्वेल्थ में जा डायरेक्टली नहीं है इसका काम, इसके बिना भी काम चल सकता है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रिपीट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। एच ए ऑलराइट बेटा ध्यान से सुनना, सो दिस इज नॉन एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K। तो बेटा सिंपल सी बात समझे, हमें ट्वेल्थ से रिलेटेड क्या काम का है, एज के ए इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो सपोज करो तुम्हें 3-4 कंपाउंड्स के डेटा दे दे के ए का, तो क्या तुम उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमा दोगे? yes, बस ये सीखना yes, है एग्जाम पर्पस से। ट्वेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि आपको यदि 3-4 कंपाउंड देके उनके नीचे उनका के ए वैल्यू लिख दे और पूछे अरेंज देम इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर, तो आपको आना चाहिए। या आपसे इनडायरेक्टली पूछ दे बेटा, या मान लो 4-5 कंपाउंड दे दे और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट के ए वैल्यू, तो तुम्हें तुरंत आना चाहिए थर्ड इनमें से हाईएस्ट के ए वैल्यू वाला होगा ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रहा है हमें? पूछ दे आउट ऑफ फिनॉल एंड एल्कोहल विच विल बी हैविंग हाईएस्ट हाई के ए वैल्यू, तो आंसर आएगा फिनॉल। क्या दिमाग में आ रहा है हमको? यस सर। अब बेटा यही पे एक और टर्म डिफाइन की जाती है, देखो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पी के। वॉट इज दिस पी के? दिस इज डिफाइंड एज माइनस लॉग ऑफ 10 के। तो बेटा इससे अब ये तो फॉर्मूला, दिमाग मत लगाना क्या होता है, काम की बात सीखो। अगेन इट नॉट योर ट्वेल्थ क्लास के काम का है बेटा। एज पी के इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो बेटा पीके जिसका ज्यादा होगा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बस तुम्हारे काम के दो लाइन है, बट फिर भी बच्चे पूछ सकते हैं सर व्हाट इज पीके, दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म जिसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज के, दिस इज अगेन अ मैथमेटिकल टर्म जिसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तुम नहीं भी ध्यान रखोगे कौन क्या होता है, लाइफ मस्त कटेगी, बट क्या ध्यान होना चाहिए कि के जिसका ज्यादा है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और पी के जिसका ज्यादा है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। इन शॉर्ट यदि वन लाइन में इन दोनों को मैं लिखूं, तो आई कैन राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू के ए, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पी के। तो दो रूल अलग ध्यान रखना चाहो तो ये तो फॉर्मूला रट्टा मारो जिंदाबाद, कितना काम का है अपने ट्वेल्थ लेवल पे ये पोर्शन जो सिखा। Understood? Yes, sir. तो आपको बेटा वैल्यू, सी यहाँ पे वैल्यू का खेल होगा, हम किसी कंपाउंड को देख के नहीं, या फिर आपका कॉन्सेप्चुअल कि जैसे इनमें बोल दें कि अरेंज देम इन के ऑर्डर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट के, तो वो कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, या तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, के दे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दे, या आपको समझो कि एसिड्स देके उनका के ऑर्डर में जमवा ले कैसे भी जमवा सकता है, तो वहां फिर लॉजिक भी काम आएगा, साथ में प्रैक्टिकल डेटा भी दे सकता है, लॉजिक से भी जमवा सकता है। अब इतनी सारी गाथा क्यों लिखवाई? ठीक है पता नहीं होगा तुम्हें इसलिए बता दिया, क्या पता कुछ पूछ दिया जाए, बाकी ट्वेल्थ में यही दिया हुआ है केवल कि के पी के ऐसा रिलेशन है,
बट होता है क्या है कि बच्चों को जब तक ये पता नहीं हो सर ये क्या कहाँ से आ गया, अभी मैं नहीं पता तो तुम ही पूछ लेते सर वोट इज के एंड वोट इज पी के, तो दिस इज के एंड दिस इज पी के, है ना। चलो आगे बढ़ूँ मैं। चलो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा एस्टरीफिकेशन, जहां पे एच बॉन्ड टूटता है, ओएच बॉन्ड टूटता है। एस्टरीफिकेशन देखो बेटा, एस्टरीफिकेशन की जनरल रिएक्शन क्या होती है समझे, आपका एल्कोहल या फिनोल ले लो आप, तो जो कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है बेटा एस्टर प्लस H2O। कैसे आइए समझे बेटा, जनरल रिएक्शन कैसे होता है, तो हमको ऐसे लिखना है प्लस। अब देखो एल्कोहल को मैं उल्टा करके लिखूंगा, मैंने पहले भी बताया बेटा एल्कोहल का तो एच जाएगा एसिड का H, क्योंकि एल्कोहल यहां से टूटता है, तो एल्कोहल से यहां से टूट के ये ऐसे कंपाउंड रखेगा। तो जैसे ये चीज बनी बेटा आपकी, आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, और रिएक्शन प्रोसीड करके आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास में बनेगा, पानी बाहर निकाल दो बेटा, बाकी बचा जिनको जोड़ दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ प्लस H2। सो दिस इज नथिंग बट दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। अब कोई भी हो बेटा, जहां जो निकलने वाला होता है वो निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुमसे पूछू कि मान लो हमने ये ले लिया बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सोचो कि ये मैंने कंपाउंड लिया, क्या होगा बताओ, क्या बाहर जा सकता है, क्या सी एल और एच? यस यस सर। जो बचा उसको जोड़ दो, आर सी डबल बॉन्ड मतलब जा रहा है तो उल्टी तरफ से ओ, इसका ओ बचा और यहां से सी डे सी डबल बॉन्ड ओ आर, देख लो बन गया कंपाउंड प्लस एच सी एल। ले तो एक एल्कोहल के बारे में तो बेटा बताई गई बात है, बाकी ऐसी रिएक्शन सब में होती है, जहां एच सी एल वगैरह निकल जाए, जहां पे आपका एच टू ओ निकल जाए, जहां पे आपके और तरह के कंपाउंड यदि रिलीज हो जाते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन बेटा बहुत देखने को मिलती है हमें, बहुत सारी तरह की रिएक्शन आती है यहाँ पे। अच्छा सॉरी 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 गड़बड़ करेगा बेटा, ये मत लिखना सॉरी, यहाँ पे एल्कोहल लेना था मुझे, माई बैड। एसिड्स की रिएक्शन थोड़ी पड़ रहे है, वैसे एसिड की रिएक्शन होती है बट हमें एल्कोहल के साथ पढ़नी थी, माई बैड। जल्दबाजी में मैंने एसिड ऊपर भी लिखा था तो इधर भी लिख दिया बेटा, यहाँ पे हम एल्कोहल ले रहे हैं आर ओ एच, ठीक है ना, एल्कोहल प्लस ये क्लोरीन वाला, तो आपका क्या बनेगा आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसा ही कंपाउंड बनेगा। सॉरी माई मिस्टेक, मैंने जल्दबाजी बेटा ये वो एसिड लिख दिया ऊपर से देख के, बाकी रिएक्शन एसिड और एसाइल क्लोराइड की भी सेम होगी जो हमने लिखी थी। इज दिस गुड? आ रहा है बात समझ? Yes, sir. किसी को एसिड एनहाइड्राइड पता है क्या, क्या होता है? ये आगे भी काम आएगा। एसिड एनहाइड्राइड देखो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डी, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, आर अलग अलग भी हो सकते हैं, इनको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। तो बेटा एसिड एनहाइड्राइड्स कैसे पता चलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बीच में ओ लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स का आप बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा इस एसिड एनहाइड्राइड की भी एल्कोहल से रिएक्शन होती है, क्या होता है, इस एसिड एनहाइड्राइड की भी एल्कोहल से रिएक्शन होती है,
तो किस तरह से होती है एल्कोहल से रिएक्शन इसकी? बेटा सिंपल सी चीज होती है, आप इस एसिड एनहाइड्राइड को किसी भी तोड़ दो, चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, ध्यान से सुनना। हमारे पास दो चीज रिएक्ट करवाना है, आर ओ एच। तो बेटा यहां से एक तो एच जाएगा, एक ये जाएगा, और यहां से आप किसी भी तरफ से तोड़ दो जहां से मन करे। तो मैं मान लो यहां से तोड़ देता हूं, तो बेटा जिधर ओ गया है ना उधर तो एच को जाना है, और जिधर ओ नहीं गया उधर ओ वाला जाना है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस ओ आर इधर जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डी। क्या बात समझ में आई क्या? फिर रिपीट कर दो। से देखो एस्टर, यस सर। एस्टर और एस्टर इस बार बेटा एसिडिक एनहाइड्राइड कोई भी कंपाउंड है उसके रिएक्शन करवानी है तो कैसे करवाएंगे, यहाँ बीच में ओ लिंकेज से तोड़ो इसको, जिस तरफ ओ गए वहां पे एच को जाना है, और जहां हमने ओ को नहीं भेजा उधर ओ आर डैश को जाना है। एक सिंपल सा लॉजिक, बात समझ में आ रही है? नहीं आया? देखो मैं एक और रिएक्शन करवाता हूँ तुम्हें, तुमसे खुद से करवाता हूँ, तुम समझ जाओगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ध्यान ध्यान से समझेगा, बिल्कुल समझेगा, 100% समझेगा। मान लो हमें रिएक्शन करवानी है बेटा सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस ओ, ये एसिड एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, प्लस आपको दे दी जाए बेटा रिएक्शन सी एच सी ओ एच के साथ, बोला जाए प्रोडक्ट बनाओ, क्या करेंगे सोचो। तो तुम क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके लिखो। एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ है और ये ओ से आपस में जुड़े हुए हैं। क्या समझ में आया क्या? मैंने इसी का स्ट्रक्चर फॉलो किया है ऐसे। इस ओ से देखो ये ट्वाइस हो गए ना, दो ट्वाइस जुड़ गए इनको एक साथ लिखा था ऊपर, प्लस यहां से बेटा एक तो एच टूटेगा और एक ओ सी एच थ्री। अब तुम्हें समझना है क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, यदि मैं इस तरफ से ऐसे तोड़ दूं इसको बेटा, जिधर हो गया उधर क्या भेजोगे इसमें से, H. H, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो O के साथ में H और जिधर O नहीं गया उधर O, तो क्या प्रोडक्ट बना बताओ जरा बेटा। देखो इसके साथ में तो ओ आर जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो बना सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच बना कि नहीं, और दूसरे नीचे जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो ये बहुत टिपिकल रिएक्शन है, अनहाइड्राइड की रिएक्शन बहुत टफ होती है, ये समझ ही नहीं आता वो क्या रहा है, दो प्रोडक्ट कैसे बन गए, बट जो जुगाड़ में तुम्हें सिखा रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी हर क्वेश्चन सही जाता है इस जुगाड़ से। क्या समझ में आया क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। सर अगर ऊपर जाता तो भी एच ही जुड़ता। हाँ अरे कहीं भी जो से बनेगा, देखो बेटा यहाँ से तोड़ दूं मैं तो क्या एच इस, फिर जिधर हो गया उधर एच जाना है और जिधर नहीं गया उधर, ये दोनों यही प्रोडक्ट बनते, बना के देख लो। ओके सर। सेम बनता, आप बना के देख लेना बेटा, डिफरेंस आता है जब ये ग्रुप डिफरेंट हो, तब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, तब चार प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो उतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक और रिएक्शन करवा दूं, अ वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, देखता हूं तुम करा पाते हो क्या। ओएच है बेटा फिनोल और यहाँ पे सी डबल ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन बेटा हमने करवा दी एसिड एनहाइड्राइड से, सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस ओ, एसिडिक मीडियम वो तो रखते हैं हम एक्स्ट्रा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, वैसे दोनों ही बना दो जो बनेंगे, सोचो कैसे करवाओगे। समझ में आया तो बना लोगे, नहीं तो फिर दिक्कतें है ही। यदि बेटा थोड़ा भी समझा है तो हो जाएगा, दिक्कत वाला नहीं है कोई ऐसा टफ।
टेन बेटा yes, देखो जरा सोच पाते हो कि क्या बनेगा, मैं बना रहा हूँ। O C double bond C three plus और COH ऐसा कैसा रहेगा plus CH three C double bond OH, सोच लो जरा। Yes sir. Yes sir. कैसे बनाया वही बेटा, इसको देखो बड़ा सा लिखते हैं CH three C double bond OO C double bond OCH। अगले मन करे यदि यहां से मैं तोड़ दूं तो यहां पे बेटा H को हो गया उधर H जाएगा तो ये प्रोडक्ट बना, और जिधर O नहीं गया उधर ये बचा हुआ जाएगा, तो यहां पे बचा हुआ ग्रुप जुड़ेगा ऐसे। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, मैं क्यों इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ध्यान से सुनो बेटा। दिस कंपाउंड नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सैली SI, मैं सही से लिख देता हूं पूरी स्पेलिंग सी। दिस कंपाउंड्स नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एस्पिरिन। आई थिंक ये नाम लगभग सबने सुन रखा होगा। यस सर, सुना हुआ है हमने, किसमें काम आती है। अरे खाते हैं ना दवाई वगैरह एस्पिरिन, दर्द खुश खत्म, सर दर्द वगैरह में भी लेते हैं और चीजों में भी ली जाती है। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, दर्द में भी काम में आती है। फिर एनीवे तो ये एक मेडिकल पर्पस से कंपाउंड होता है, इस वजह से बेटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। गुड, और इस कंपाउंड का भी नाम ध्यान रखना, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, इसलिए इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल देते हैं। एनीवे थोड़ा ध्यान रखें बेटा इस चीज का, ये रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी रिएक्शंस में से है। बढ़ू आगे में, देखो बेटा रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि जहां से ट्रिक पकड़ो या कॉन्सेप्ट जो भी कहना चाहो इसे। यदि ये तुम्हें आता है तो तुम कोई भी कंपाउंड बना पाओगे, नहीं तो फिर ये रट्टा मारो ये सब। अब तुम्हें मैं ये रिएक्शन दे दूं, अब यहां पे कुछ छोड़ दे देता तो वो तो फिर हम कर ही नहीं पाते। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो फिर, बस ये तो कंपाउंड ध्यान में रखने की बात है तो वो अलग चीज है, बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो कोई भी रिएक्शन करवाओगे हम, कुछ भी दे आपको, कैसा भी एल्कोहल दे। डन, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बेटा, बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आ गई अपनी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल। पहले हम एल्कोहल में देखेंगे रिएक्शन, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आर ओ एच होता है तो इस बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो बेटा जनरल रिएक्शन हम पहले इसलिए चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आर ओ एच प्लस एच एक्स, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा आर एक्स प्लस एच टू ओ, ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम हैलोजन प्रिपरेशन में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव स्टडीड। बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इस
कैटेगरी की रिएक्शन में जिसे हम कहते हैं लुकास टेस्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, आपके प्रैक्टिकल भी है इसका। सो व्हाट इज लुकास टेस्ट बेटा हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे हम। पहले तो समझो लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट होता है बेटा कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। तो हम क्या करें, एल्कोहल की जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आपका वही हैलाइड और H2O बनता है। बट ध्यान से समझे बेटा कि एल्कोहल जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं बट हाइड्राइड्स हैलाइड्स इमिसिबल होते हैं इस रिएजेंट में। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुने बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट वाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल। Immiscible in produced turbidity के बेटा क्या, यदि इनसोल्यूबल होंगे तो वो मतलब बैठने लगते हैं नीचे सॉल्यूशन में, एक अलग से मतलब आपको दिखाई पड़ने लगता है कि वो सॉल्यूबल नहीं हुआ है। तो पता कैसे चले बेटा एल्कोहल्स में सेपरेशन कैसे होता है, तो इस टेस्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो टर्शियरी एल्कोहल होता है दैट गिव्स इंस्टेंट टर्बिडिटी बेटा, तुरंत मतलब रिएक्शन करते ही टर्बिडिटी, मतलब रिएक्शन करते ही वो जो प्रोडक्ट है वो नीचे बैठना शुरू कर देता है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। सेकेंडरी एल्कोहल्स जो होते हैं वो लगभग लगभग आप ये समझो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है ना, लिटिल टाइम हम कहते हैं, जनरली बेटा 1 to 5 मिनट्स लग सकती है। और जो टर्शियरी जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो बेटा रिएक्शन देते ही नहीं है, नो टर्बिडिटी, वो इस लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ही नहीं देते। तो क्या हम इन तीनों एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं लुकास टेस्ट से? अरे ये बात समझ में? यस सर। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टेस्ट, मोस्टली आपके प्रैक्टिकल भी है बेटा, आप रिड्यूस सिलेबस वगैरह में कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो पता नहीं, हमारे टाइम पे हमने तो किया था ये प्रैक्टिकल, तो ये होना चाहिए मोस्टली प्रैक्टिकल भी। तो लिखो फटाफट से इसको, ध्यान रखना है सब कुछ, व्हाट इज लुकास रिएजेंट, टर्बिडिटी कितना। अब ये 1 to 5 मिनट एक वो है, हो सकता है 40 सेकंड में भी आ जाए, हो सकता है 6 मिनट भी लग जाए, एक रफ एवरेज लिमिट लिखी है मैंने, है ना। Then आगे बढ़े, yes, sir.
नेक्स्ट देखो बेटा, रिएक्शन विथ पीसीएल। बेटा ये रिएक्शन भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पुरानी चीजें बार आती हैं। किसी को भी याद हो तो बताएं। ROH प्लस PCl3 बनता था RCl प्लस H3PO3। बैलेंसिंग कर ही सकते हो, आई एम लिविंग बैलेंसिंग अप टू यू, है ना, हो जाएगी ना, याद है रिएक्शन पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, अगेन रिपीटेड। बेटा इन सब चीजों को हम फिनिश ऑफ करें, हमें लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में। अब जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन है, तो उसमें बेटा काफी सारा बताना है, और ऑक्सीडेशन है, तो एल्कोहल्स के कुछ रिएक्शन है, फिनॉल्स के कुछ है, तो अगला लेक्चर हमें उसमें जाएगा, और उसके बाद एक लेक्चर इथर पढ़ने में। तो अगली 2 क्लासेज में, मतलब हम इस वीक में इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, फिर हमारे पास जो भी छोटे मोटे वो बचेंगे वो हम आगे पी ब्लॉक वगैरह से शुरुआत करेंगे फिर, है ना, तो वो फिर हम आगे के चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर, सबको समझ आता है? yes, चलिए yes, बढ़िया। तो लिखें हम और रिएक्शंस को याद करें बेटा। देखो याद करोगे, इतना अच्छे से करवाई जा रही है सब चीजें, नोट्स भी बहुत ज्यादा डिटेल बनाया जा रहा है, तो अगली बार काफी अच्छा कर पाओगे आप। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू। अच्छा मैथ्स के बच्चों का टेस्ट है, तो ज्वाइन करना है टेस्ट के लिए, ठीक है ना? पीडीएफ दे दो ना। क्या बेटा? पीडीएफ दे दो, पीडीएफ भेज दो ना, हम भेजेंगे आंसर। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।